मैं बिदर कलबुर्गी रेलवे लाइन के लोकार्पण के लिए भी आपके बीच आया था। समय के साथ बिदर के लोगों का अपनापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है। ई बारिया निर्धारा, बहुमत दा बीजेपी सरकारा। कर्नाटक का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है। और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। विकसित कर्नाटक यानी कर्नाटक के हर अंचल का संतुलित विकास। विकसित कर्नाटक यानी राज्य में विकास के ढेर सारे ग्रोथ सेंटर्स। कर्नाटक की जनता अब अपने इस सपने से पीछे नहीं हटना चाहती। मैं जानता हूं आप सब एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे। आप एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां मेट्रो की सुविधा और ज्यादा जिलों तक हो। आप एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां अधिक संख्या में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चले। आप एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां हर खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं हो। पिछले 5 वर्षों में सामान्य मानवी ने कर्नाटक में विकास की जो रफ्तार देखी है उसके बाद वो रुकना नहीं चाहते। और आपके इस सपने को पूरा करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। साथियों, कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहां डबल इंजन सरकार का बने रहना बहुत जरूरी है। जब केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार की डबल शक्ति लगेगी तो कर्नाटक को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। डबल इंजन सरकार से जो फायदा होता है उसका एक उदाहरण कर्नाटक में आया विदेशी निवेश है। भाजपा सरकार की वजह से देश में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से कर्नाटक में भी रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था। बीजेपी की सरकार में अब हर साल
करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। और आपको ध्यान रखना है, ये उपलब्धि के किस समय हुई? इतना बड़ा महामारी का संकट था, युद्ध चल रहे थे, उसके बावजूद भी ये हासिल किया है। साथियों, डबल इंजन का सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। जब कर्नाटका में डबल इंजन सरकार नहीं थी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सालों लग जाते थे। पानी की कमी क्या होती है ये कर्नाटका के किसानों, यहां की माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कांग्रेस सरकार उसके समय देश भर में 100 से ज्यादा ऐसी सिंचाई योजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। बीते 9 वर्षों में दशकों से अधूरी 60 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। इनमें से अनेक प्रोजेक्ट कर्नाटका के भी हैं। यहां बीदर में भी महकर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जैसे अनेक सिंचाई के प्रोजेक्ट पर आज तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, आज आप सभी देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों का कितना लाभ किया है। अब छोटे छोटे खर्चे के लिए किसानों को यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब हमने ये योजना शुरू की थी तो यहां कांग्रेस और जेडीएस की ही सरकार थी, लेकिन ये लोग लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में ही रुकावटें पैदा करते थे, लिस्ट नहीं भेजते थे। बताओ, आप सोच सकते हैं कांग्रेस जेडीएस को किसानों से कितनी नफरत है। राज्य सरकार को एक नया पैसा नहीं देना था, पैसा हम दिल्ली से भेज रहे थे। उनको तकलीफ ये थी कि बीच में कोई कटकी नहीं हो रही है, माल खाने को मिल नहीं रहा है, ये सीधा उनके बैंक खाते में जा रहा है, इसलिए लिस्ट ही नहीं देते थे। साथियों, जब कर्नाटका में भाजपा की सरकार यहां आई तो उसने यहां के लाखों किसानों के नाम केंद्र की हमारी सरकार को भेजे। आज उसी वजह से यहां के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अगर हर किसान के लिए 6,000 रुपया भेजे तो यहां की भाजपा सरकार ने उसमें 4,000 रुपया और जोड़ दिए, यानी किसानों को और ज्यादा मदद। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कर्नाटका के लगभग 60 लाख किसानों को मिला है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर
18,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए तो यहां बीदर के किसानों को दिए गए हैं। आप जरा याद कीजिए कि कैसे कांग्रेस की सरकार भोले भाले किसानों को हर चुनाव के पहले कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी। चुनाव से ठीक पहले वो किसानों के कर्ज माफी का ड्रामा करने लग जाते थे और कर्ज माफी धरती पर कभी उतरती नहीं थी। ये इन्होंने छत्तीसगढ़ में वादा किया, राजस्थान में वादा किया, अभी तक किसानों के खाते में कुछ गया नहीं है। और जो जाता था वो भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ ही किसानों को जाता था। ऐसे किसान जिनका बैंक में खाता हो, जिन्होंने बैंक से लोन लिया हो, उन्हीं के नसीब में ये कुछ दाना पानी डाल देते थे। जबकि सच्चाई ये थी कि जिन करोड़ों छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उनको तो न कभी बैंक में खाता था, न बैंक ने कभी वो एक रुपये का उनको लोन दिया था। वो तो बेचारे बाहर से, बाजार में से, साहूकार के पास से महंगे ब्याज से कर्ज उठाते थे और कर्ज माफी का फायदा उनको तो कभी नसीब ही नहीं होता था। कांग्रेस का असली यही चेहरा है। साथियों, इस क्षेत्र में गन्ना भी बहुत होता है। कांग्रेस ने गन्ना किसानों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया था। हम गन्ना किसानों की समस्याओं को भी प्राथमिकता पर दूर कर रहे हैं। गन्ना किसानों की मदद के लिए ही हमने पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने का फैसला किया। आज देश पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार के समय देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता था। अब हमारी सरकार में इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर 400 करोड़ लीटर से भी ज्यादा का हो गया है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग बढ़ने से सबसे ज्यादा लाभ गन्ना किसानों को भी हुआ है। इस बजट में हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स को यूपीए सरकार ने जो चूना लगाया था, 10,000 करोड़ का चूना, हमने इस बजट के अंदर उस 10,000 का जो उन पर चूना लगाया था वो भी माफ कर दिया। हमने उसकी राहत भी दे दी। इसका भी लाभ देश के गन्ना किसानों को मिलेगा। हमारी सरकार ने मिलेट्स श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का भी अभियान चलाया है। हमारे यहां तो ज्वार की रोटी आप लोगों को बहुत पसंद है, घर घर में खाई जाती है। ये ज्वार और उसकी रोटी जब दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी तो उसका भी लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, गरीब की तकलीफ कांग्रेस को कभी समझ नहीं आई। उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। और कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोड़े अटकाती है, नकारात्मकता में भरी पड़ी है। इसका एक उदाहरण गरीबों को पक्के घर देने की योजना भी है।
ये योजना तो 2019 से भी पहले से चल रही थी, लेकिन जब तक कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार रही उसने गरीबों के घर बनाने की स्पीड धीमी कर दी। गरीबों के साथ कांग्रेस इस अत्याचार को बीजेपी सरकार ने ही रोका। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने यहां घर बनाने की स्पीड को और तेज किया। देखते ही देखते 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना गरीबों को तय हुआ। इस योजना के तहत करीब 30,000 घर यही बीदर में ही बन रहे हैं। 30,000 घर आप कल्पना कर सकते हैं, और इनमें से हर घर कई कई लाख रुपए का, और वो भी हम घर महिलाओं के नाम पर करते हैं। यानी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने यहां बीदर में ही 30,000 बहनों को, जिनके घर की कीमत लाखों में है, 30,000 बहनों को लखपति दीदी बना दिया है।